अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से? ठीक ठाक है जनाब। आज का दिन जो है हम निकले हैं फिर से घर से, और आज किसी पिकनिक पॉइंट पर तो नहीं जा रहे। आज हम लोग निकले हैं और महसूस हुआ कि हमारी गाड़ी का एसी सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में एसी वैसे ही तंग करता है। तो आजकल कराची में जैसी गर्मी पड़ रही है, आप लोगों को पता ही होगा किस तरह की गर्मी पड़ रही है, तो भाई एसी ने जो है हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है, बहुत मिसबिहेव कर रहा है, इसके जो है स्वभाव अच्छे नहीं लग रहे, बार बार चल रहा है, रुक रहा है, तो अब पता नहीं क्या मसला होगा। तो हम लोग गए थे तारिक रोड चेक करवाने के लिए, एसी वाले हैं सारे वहाँ पर, मैंने कहा वहाँ चेक करवा दें कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर कल प्रॉपर काम करवा लेंगे, अभी फ़िलहाल गैस रिचार्ज करके तो अपना काम चला लें। लेकिन जो है सारी शॉप्स बंद थी, तो अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चला रहे। और फिर हमारा इरादा हो रहा था कहीं दूर जाने का, लेकिन अब जो है दूर नहीं जा रहे, और अभी हम जाते हैं किसी मंडी में, मवेशी मंडी में जाते हैं, क्योंकि बकराईद ईद का सीज़न है, हर जगह जानवर है, चांद भी नज़र आ गया है। अब कुछ ही दिन रह गए, तो मैंने कहा चलते हैं मंडी, जाके थोड़ा चेक करते हैं कि क्या प्राइसेस हैं और किस तरह के जानवर हैं। और उरवा ज़िद कर रही है बकरे के लिए, तो हम जाते हैं उरवा के लिए बकरा देखने के लिए, और वहाँ से आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है मंडी की। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड पे, यहाँ से हम हसन स्क्वायर जाएंगे, हसन स्क्वायर से हम लियारी एक्सप्रेस वे से होते हुए माच गोड वाली मंडी में जाएंगे, यूसुफ गोड माच गोड वो वाली मंडी में जाते हैं, कितने के मिल रहे हैं, कैसे हैं, और फिर जो है जो इंशाल्लाह नसीब में होगा वो लेकर आ जाएंगे, या फिर अगर किसी और मंडी में इरादा हुआ तो वहाँ चलेंगे। तो चलते हैं मंडी, तो देखते रहिए वीडियो को, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अभी इस वक्त हम गुजर रहे हैं कश्मीर पार्क के पास से, मेन यूनिवर्सिटी रोड है, पहले इसका नाम अस्करी पार्क होता था, लेकिन अब जो है कश्मीर एडवेंचर पार्क के नाम से। अभी हमने हसन स्क्वायर की तरफ टर्न कर लिया है, और यहाँ से हम जाएंगे लियारी एक्सप्रेस पर। मंडी शायद अंदर लग गई है, यहाँ मंडी अंदर लगी हुई है, ये वो गाड़ियाँ जा रही है, ये हसन स्क्वायर की मंडी है, लेकिन ये तो बहुत महंगी मंडी होगी। चले चलते हैं माच बोट। तो जी ये आ चुका है लियारी एक्सप्रेस, हसन स्क्वायर वाला जो है इंटरचेंज है, यहाँ से हम चलेंगे बल्दिया टाउन, हाँ निकले माच गोट की तरफ। अरे सारी ठंडक निकल गई, बहुत मुश्किलों से ठंडा हुआ था, सारी ठंडक निकल गई यार। एसी का मसला भी सही नहीं हो रहा, बहुत परेशानी हो रही है, इस सीज़न में हमें एसी चाहिए और एसी में तंग कर रहा है। लास्ट टाइम फ़ैन का मसला हुआ था, फ़ैन का मसला भी हल कर लिया, और फिर एसी का थोड़ा उस वक्त डिस्टर्ब कर रहा था, तो वहाँ पर चेक करवाया था, उन्होंने चेक किया, एसी बोला सही है, बिल्कुल सही है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आज जो है एसी तंग कर रहा है, पता नहीं क्या मसला है, फ़ैन तो बिल्कुल दूसरा ही लगाना पड़ा, नया ही लगाया मैंने, वो जो लगा हुआ था वो तो बिल्कुल डेड हो गया भाई। ये काम निकलते रहते गाड़ी के, जो हम बोलते हैं बिल्कुल ओके है, लेकिन अचानक से ऐसे निकलते हैं कि फिर एक के बाद एक निकलते ही रहते हैं। ये गाड़ी में कुछ आता है, ऐसा वक्त आता है जैसे बीवी में आता है ना, इस तरह गाड़ी में भी आता है, बीवी भी एक साथ बीमार होती ना, कभी आँख लेके बैठ जाएगी, कभी मुँह लेके बैठ जाएगी, कभी दांत लेके बैठ जाएगी, इस तरह गाड़ी भी जो है अभी फ़िलहाल आगे का सिस्टम लेके बैठी हुई है गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है छोटे छोटे में निपट रहा है। ना ना जितरो बोलूँ घड़ू है, गड्डी भी अलाई नहीं है, वापस घरे भी बोलूँ। ये जो है बल्दिया टाउन वाला रोड है, नॉर्दर्न बाईपास वाला, सीधा चले जाएंगे तो हपचौकी आ जाएगा, हम हपचौकी की तरफ नहीं जाएंगे, और यहाँ पर जो है मंडी आएगी तो हम नीचे उतर जाएंगे, और ये देखे दुम्बे दिखना शुरू हो गए, लोग रास्ते में लेके खड़े हो जाते हैं, आगे से कट आता है तो हम फिर नीचे उतर। तो भाई अभी हम ये कट से उतर रहे हैं नीचे, और आगे जाते हैं, फिर वहाँ से आगे कट लेंगे और फिर मंडी की तरफ जाएंगे। अभी हम ये बल्दिया टाउन वाले रोड पर आ गए, बाईपास को छोड़ते हैं।
ऐसे ऐसे रास्ते हुए, वो मंडी का रास्ता भूल गया वो लगता है, लेकिन है मुझे याद आ रहा है कि इससे आगे ही था ये ब्रिज, से आगे ही है मंडी, आगे ही आएगी, नहीं आई तो टर्न कर लेंगे। इस तरफ आते नहीं है ना, तो इस तरफ के रास्ते याद नहीं, क्योंकि हमेशा ऊपर से ही आए गए। यहाँ आगे देखते, थोड़ा और आगे जाते, थोड़ा टाइम ज़ाया करते, समझ आती है रास्ता मिल गया तो सही है, वरना फिर पीछे चलेंगे किसी से पूछ के। ब्लर हो रहा है ये ऊपर, वही बाईपास है, ऊपर रश इतना लगा हुआ है और यहाँ पर भी रश लगा हुआ है। मेरे ख्याल से यूसुफ कोट आ गया है, यहाँ से पोचे वोचे मिलती है, हो सकता है एम्बुलेंस भी जा रही है, उसको रास्ता कब मिलेगा, वही अपने के जा रही है। मेरे ख्याल से यही मंडी है, गाड़ियाँ जिस तरीके से लगी हुई है। हाँ सईदाबाद आ गया ना, वो बोर्ड लगा हुआ तो है और मवेशी मंडी लिखा हुआ तो है। जूम करो, वो गाय बनी हुई है कोच के पीछे, देखो वो दिख रही है, एरो बना हुआ है अंदर जाने का। अबे मंडी पहुंच गए यार, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, मुझे पता है रास्ते, ये मजाक कर रहा था। तो भाई हम पहुंच चुके हैं मंडी, और यहाँ कहीं गाड़ी पार्क करते हैं और फिर अंदर जाके देखते हैं हम लोग बकरे शकरे क्या सीन है। सही है भाई साहब, हद हो गई भाई, ट्रैफिक की हद हो गई। आपको ट्रैफिक दिखाया था कितना ट्रैफिक है, और ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक जो है पार्किंग ही नहीं है, वो सारी पब्लिक जो है पहुंच चुकी है मंडी, वो इतना ज़्यादा रश था। तो मैंने तो बेगम को कहा भाई आपका काम तो है नहीं, हम कहीं और चलते। तो अभी हमने इरादा किया है हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं, बेरिया टाउन की तरफ, तो रास्ते में जो मंडी आती है वहाँ देखेंगे, अगर वहाँ कोई मंडी में हम बकरे वकरे नजर आए तो वहाँ चलते हैं, वरना फिर जो है बेरिया टाउन चलते हैं। आज का काम नहीं है भाई, बेगम साहिबा को लेके जाने, ऐसा नहीं है, इतना रश, इतना रश, और पार्किंग ही नहीं मिल रही कहीं पर भी। पार्किंग की जगह मिली तो वो 1 किलोमीटर, हमने कट घूमा मंडी के गेट से, हम टर्न होकर गए और उधर जाकर हमें कहाँ पार्किंग मिली है, उसके बाद वापस चल के इतना ही अंदर आना। नहीं बाबा, फैमिली का काम नहीं है, अकेले जाएंगे अकील भाई और हम लोग बच्चे और लेकर, तो फिर सही तरीके से देखेंगे। बाकी अभी देखते हैं, अभी हम लोग चढ़ चुके हैं लियारी एक्सप्रेस पर और वापस जा रहे हैं बेरिया टाउन की तरफ। रास्ते में जो बड़ी मंडी आती है वहाँ हम देखते हैं, अगर वहाँ अगर बकरे शकरे नज़र आए, कोई बात बन गई तो सही है, वरना फिर जो है बेरिया टाउन चलते हैं और खाना शाना खाते हैं, भूख भी बहुत लगी है, और फिर आपसे मिलते हैं बाद में भाई। संडे के दिन आइंदा कभी, मैंने सोच लिया संडे के दिन, सैटरडे संडे तो निकलना ही नहीं है मंडी के लिए, अब तो 1 हफ्ता ही बाकी रह गया है, अगला सैटरडे संडे तो फिर फाइनल होगा, उसके बाद तो फिर ईद होगी है ना, तो छुट्टी वाले दिन नहीं जाना, आम दिन में जैसा हो सके तो अच्छे मौसम में सही टाइम पे, यानी शाम के वक्त जाके चक्कर लगा के आ जाओ, इंशाल्लाह अच्छा सौदा मिल जाएगा। बाकी जो है गर्मी भी बहुत है और ट्रैफिक भी बहुत है। आज ये टोल प्लाजा, पैसे तो है ना इधर ही पड़े। तो भाई साहब अभी पहुंच चुके हैं हम लोग हाईवे पर, और सुपर हाईवे पर ये हम लोग जा रहे थे मंडी की तरफ, तो रास्ते में हमें पंप के बाहर ऐसी छोटी छोटी मंडियां नज़र आ रही हैं, बकरे लेके लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, तो इधर और भी लोग इधर लेने के लिए खड़े हुए, तो मैंने कहा ज़रा जाके मालूम करें कि क्या कितने का बकरा दे रहे हैं और कैसा है। तो उर्वा भी ज़िद कर रही है बकरे की, तो जाके वो बकरे देखते हैं किस तरह के और फिर आपको बताते, और अगर यहाँ समझ नहीं आए तो फिर आगे मंडी की तरफ चलते, तो चले चलते। तो भाई ये देखें यहाँ खड़े हुए बकरे वाले सारे, पूछते हैं क्या रेट दे रहे हैं, क्या आ गए भाई दुम्बे हैं, इसके सींग इतने सारे सींग क्यों है इसके, क्या मांग रहे हो, 60 60 बात बताओ, सस्ता भी करेगा बात से तो करवाएगा ना। ओ भाई ये 2 दांत का है, खस्सी पंच खस्सी है, देखो भाई 2 दांत है, ब्रश भी करो इसको, बोलो नसवार तो नहीं लगाता है। भाई महंगे हैं बकरे तो, और तकरीबन 70 80 ऐसे बोल रहे हैं, इसके भी 60 60 बोल रहे हैं ये। अच्छा देखो तो उर्वा कैसा है, मंडी की तरफ ही चलते, क्या मांग रहे भाई, 45 45
खसी है, दो दांत दो दांत खसी है, पंच तो नहीं है। वो भी जोड़ी है क्या ये? ये भी 45? ये बड़ा है, 45 और 50, सही है, अच्छा है। ये भी दो दांत है, 50 मांग रहे हैं इसके, खस्सी है, अच्छा है। लेकर आओ, इधर ले आओ, इधर लो, ये सुपर हाईवे वाली जो रोड पे होती ना मंडी, वो है। ये भी अच्छा है, इसके 42 फाइनल कर दिए, उसके 45 कर रहे फाइनल, ये अच्छा है। यहाँ देखा रिस, तो भाई साहब आपने देखा, अभी हम बकरे देखकर आए, तो बकरों का रेट तो जो है 80 से शुरू हो रहे हैं, और फाइनली जो इनके देने का इरादा है 40, 45, 40, यहाँ तक अगर बहुत अगर हम इनसे बहस वगैरह करें तो ये तकरीबन 35, 40, 35, 40 के दरमियान आ सकते हैं, बाकी इससे नीचे बकरा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मिलेगा। भाई साहब सीन कुछ ऐसा हो गया है कि अभी भाई मंडी वंडी का कैंसिल करता हूँ मैं, क्योंकि संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा रश है मंडी की तरफ, फजूल है, फैमिली के साथ जाना भी बेकार है, तो हम जो है कल चले जाएंगे। आज का सीन जो है हम लोग चलते हैं भेरिया टाउन, तो हम लोग जो है हाईवे पर तो आ गए, तो मोटरवे से होते हुए हम लोग जा रहे हैं भेरिया टाउन, और भूख भी बहुत लग रही है, साथ में कढ़ाई लेकर आए घर से तैयार करके, आज पकाएंगे नहीं, तैयार लाए, तो भेरिया टाउन चलते हैं, वहाँ खाना वाना खाते हैं, खुद को ज़रा सुकून देते और फिर घर जाते हैं। तो वह पहुँच गए भेरिया टाउन, और ये रहा भेरिया टाउन, एंट्री करते हैं और अंदर कोई अच्छा सा स्पॉट देख के बैठते हैं, खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे तो, मंडी के चक्कर में कहाँ कहाँ चले गए, मार्च वोट चले गए और कहाँ कहाँ चले गए, मंडी वंडी हमारा काम नहीं है भाई तो खासकर फैमिली का तो बिल्कुल काम नहीं है, बच्चों फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना है, अकेले अकेले जाओ, फैमिली के साथ नहीं जाओ। अभी भूख लग रही है, अंदर ही करीब में बैठ जाते हैं भाई। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं भेरिया टाउन, और ये हम बैठे हैं पार्क में, और बहुत खूबसूरत मंजर है, शाम हो रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, और पीछे आप देख रहे हैं फाउंटेन, आबशार, वाटरफॉल बनी हुई है, और ये कॉलम्स बने हुए, अभी इसमें थोड़ी देर में इसमें लाइटें चालू हो जाएंगी। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बेगम भले वीडियो बनाती रहे, मैं हम खाना शुरू करता हूँ। हम लोग लाए साथ में रोटियाँ, ये हमने फूड पांडा से ऑर्डर किया कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, उन्होंने हमें डब्बे में डाल के दिए, डब्बा भी पैक आया है मैं घर से बना कर लाए हैं चिकन कढ़ाई, और ये थैली उड़ के कहाँ से आई पता नहीं किसकी। भाई ये आ गई हमारी चिकन कढ़ाई, ये घर से बना कर लाए थे हम लोग, और बेगम साहिबा ने घर पे तैयार कर ली थी, रास्ते में मैंने रोटियां ले ली थी घर से निकलते के साथ ही, हमारे घर के पास से वो पतीरी कहलाती है, क्या कहलाती है, लाल आटे वाली रोटियाँ, मुझे ये पसंद है तो मैं ये लेकर आया। और अरीज को भी बहुत भूख लगी है, साइम को भी, और मंडी के चक्कर में तो हमने फजूल में बहुत टाइम ज़ाया किया, और ये उरवा को भी बहुत भूख लग रही है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा माहौल, सनसेट हमने मिस कर दिया, और ना यहाँ से सनसेट दिखता है, वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखो वाटरफॉल है, ये सारे पीछे जो है परिंदे बैठे हुए, शाम हो रही है, तो बिल्कुल बेरिया का एंट्रेंस के साथ ही है ये, और ये पीछे बेरिया का गेट है, और यहाँ पर हमारा खाना, ब्रिज बना हुआ है, इसी खाने के वजह से लाइक सब्सक्राइब करें, ऐसा मगरिब की अजानें हो रही है, अभी हम ऐसा लग रहा है इफ्तार करने बैठे हैं। चलें भाई,
मगरिब की अजान हो गई, अभी इफ्तार करते हैं। तो भाई अभी बिस्मिल्लाह करते हैं और बहुत खूबसूरत माहौल में बैठे हुए, मगरिब भी हो चुकी है, मगरिब की अजान भी हो गई, अब अंधेरा हो जाए, इससे पहले खाना खा लेते हैं वरना अंधेरा हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और बताते हैं कैसी बनी है चिकन कढ़ाई। बढ़िया है, एक नंबर, जबरदस्त। तुम बना दी तो बहुत अच्छा हो, कढ़ाई मज़ा आ गया। भूख लगी हो और अपनी पसंद का कुछ खाना मिल जाए ना, बहुत और भी ज़्यादा लजीज हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो अभी यार थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ लड़के बैठे थे और वो खाना वगैरह खा रहे थे, अब देखें वो चले गए उठ के और कचरा देखें ऐसे ही छोड़ के चले गए। अब ये जो भाई थे, ये सफाई वाले भाई आए हैं, देखें वीडियो, इसकी पहले इन भाई ने वीडियो बनाई है कचरे की और अब ये भाई बेचारा कचरा उठा रहे हैं। तो यार इतने साफ सुथरे माहौल में आप खुद देखें इतने साफ सुथरे माहौल में इस तरीके से कचरा छोड़ के जाने, अच्छी बात है, पर शर्म आनी चाहिए। उनका उनकी थैली उड़ के हमारे पास भी आई, देखिए ये उर्वा ने बोला भी ये कहाँ से आई, मैंने कहा ये उनकी उड़ कर आई है, देखो उनको एहसास ही नहीं है, और ऐसे खाया बिरयानी पिलाओ कुछ भी खाया वही कचरा छोड़ के चले गए। भाई आप ऐसी साफ सुथरी जगह पे खा रहे हो, जगह जगह डस्टबिन बने हुए, उठ के डाल दो डस्टबिन में, इस तरीके से कचरा छोड़ के जाते हैं, हद है यार। चले भाई खाना फिनिश करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं बाद में। बच्चों की फेवरेट चीज हर पिकनिक पॉइंट पर सबसे फेवरेट चीज़ आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम वगैरह आ गई है। और ये थे कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो आइसक्रीम वाले भाई मैच देख रहे हैं, इतना मोबाइल लगा के मोबाइल रख के मैच देख रहे हैं। ले चुकी है कुकी गाइस, मेरा सबसे फेवरेट कौन में से फ्लेवर वो है ओरियो, ओरियो ओरियो, और मेरा है कुकी वो भी ओरियो ही है, ये देखो दोनों का सेम पैक है, भले ओरियो नहीं। आपने कौन सी? ये देखो ये वहाँ डस्टबिन में, तो अपनी गाड़ी के पास भी होगा, अपनी गाड़ी के पास। टाइम ने कौन सी ली? बीस्ट क्लासिक है, इसके सबसे ज्यादा बेस्ट, बीस्ट बेस्ट। बाय बाय कर हम बाय बाय कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर देना।